जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे श्री ओरोबिंदो कॉलेज के बारे में, जिसमें आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज गाइज आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। यह लिंक मैं दे दूंगा, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको आ रहा है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी वैकेंसी के बारे में जो हमारे लिए पोस्ट हुई है, ठीक। यहाँ पे आप 28/12/21 को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आप सबसे पहली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल डिसेबल्ड की है, जो कि विजुअली आप प्रॉब्लम है उनके लिए 35 एज देखिए, पे लेवल 10 रहेगा। 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में 35 एज, जो कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, सीनियर आपका टेक्निकल असिस्टेंट की कंप्यूटर की 1 वैकेंसी, प्रोफेशनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आयु दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-2 वैकेंसी है, बॉटनी की 1-1, केमिस्ट्री की 1, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2, यहाँ पे फिजिक्स की यहाँ पे दे सकते हैं 1 है, जो कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, 38 तरीके पे लेवल 4 रहेगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे देख सकते हैं, बॉटनी में 2, केमिस्ट्री में 5, कंप्यूटर में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4, फिजिक्स में 3, जूलॉजी में 2 है। यहाँ पे एज आपको दे रखी है 30, ठीक है। यहाँ पे लेवल 1 रहेगा। यहाँ पे आप बाकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेड द अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, जो कि कॉलेज की वेबसाइट पर है, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं आपका कैंडिडेट जो है फिजिकल डिसेबल, आपका हेल्प डेस्क एसेट एट द कॉलेज रिक्वायर्ड टू एनी असिस्टेंट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फीस की बात करें 500 रुपये यूआर ओबीसी इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, और कोई भी चार्ज नहीं एसएसटी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट के, वुमेन कैंडिडेट के लिए। पेमेंट आपका जो होगा ऑनलाइन मोड पर होगा, फिलिंग द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट है जो कि 29/1/2020 5 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। दो शुड बी सर्विस इन शुड अप्लाई द प्रॉपर चैनल, कैंडिडेट इंस्ट्रक्ट टू केयरफुली रीड आपका जो है इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ें। दे रिक्वायर्ड टू अबव द पोस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट अप्रूव यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क होने चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड बी यूजीसी, ठीक है। डिजायरेबल देखते हैं एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सुपरवाइजर और या इक्विवेलेंट ग्रेड का ग्रुप बी पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, LLB या MBA, CA, ICW, MCA या MPhil, PhD क्वालिफिकेशन। ऑल द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड बी प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मैक्सिमम एज आप 35 दे रखी है। सीनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट आपको दे सकते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग ऐसे प्राइवेटरी सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सीनियर आपका स्किल टेस्ट दे सकते हैं, डिक्टेशन 10 मिनट एट द एवरेज स्पीड आपकी होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, ट्रांजेक्शन 40 मिनट इंग्लिश या 55 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रॉम्प्ट टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड सीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन आदि। डिजायरेबल डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, नॉलेज होनी चाहिए आपका सर्विस रूल एप्लीकेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। यहाँ पे एज 35 दे रखी है, बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। सीनियर आपका टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे BE/BTech कंप्यूटर साइंस आपका इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या MSc कंप्यूटर साइंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग डाटाबेस मैनेजमेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है। एज 30 दे रखी है। प्रोफेशनल आपका असिस्टेंट लाइब्रेरी की MLib साइंस या MLISC या उसके इक्विवेलेंट, या मास्टर डिग्री आर्ट साइंस कॉमर्स एनी अदर डिसिप्लिन, बिलीव आपका बिलीव साइंस या BLIS साइंस होनी चाहिए, कंप्यूटर पेपर एट ग्रेजुएट PG या लेवल, ठीक है। 6 मंथ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। यहाँ पे नोट दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी की ग्रेजुएट होनी चाहिए आर्ट साइंस या कॉमर्स एनी अदर डिसिप्लिन से या एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, बिलीव साइंस या बिलीव SI
एससी साइंस से कोर्स आपका होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट या पीजी लेवल, 6 मंथ का आपका कंप्यूटर कोर्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, आपकी 38 देर की लाइब्रेरी असिस्टेंट की, पास होने सीनियर सेकेंडरी यानी 12th या उसके इक्विवेलेंट कंडक्ट बाय स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, आपका सर्टिफाइड लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, कंप्यूटर आपका कोर्स एट द सीनियर लाइब्रेरी सेकेंडरी लेवल या बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर साइंस वर्ड प्रोसेसिंग आपकी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बाकी जनरल आपको एक्सपेक्टेड अंडरटेकिंग फॉलोइंग ड्यूटीज यहाँ पे दे रखी है तो पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। 30 एज देर के सीनियर असिस्टेंट की ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज आपके यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन वर्किंग विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नोट देर का जूनियर आपका असिस्टेंट की आपका 12th होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, हैविंग टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में 30 हिंदी में होने टाइपराइटिंग थ्रू कंप्यूटर, 27 एज दे रखी है, ठीक है। एज रिलेक्शन विल भी आपको गाइड आप रहेगी दिल्ली या यूजीसी के, ठीक है, के अनुसार। आप लाइब्रेरी असिस्टेंट की 10+2 रहेगा, उसके इक्विवेलेंट आपका ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, आपकी 30 आयु तरीके लाइब्रेरी असिस्टेंट की बॉटनी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स जूलॉजी लैब की 10th स्टैंडर्ड का या एग्जामिनेशन साइंस विद सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यहाँ पे आपको जो कार्य के बारे में दे रखा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट कंप्यूटर लैब शुड हैव आपका पास होना हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस आप सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आपको नोट यहाँ पे कंप्यूटर लाइब्रेरी अटेंडेंट आल्सो परफॉर्म ऑल ड्यूटी एमटीएस रेस्पेक्टिव लेबोरेटरी, आपकी एज 30 देर की लाइब्रेरी अटेंडेंट की 10th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी आपका स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्ट यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से सर्टिफाई होना जरूरी। डिजायरेबल जैसे कंप्यूटर आप एज पर द आपका सेकेंडरी लेवल बेसिक कोर्स का ज्ञान होना चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, ठीक है। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, एज 30 दे रखी है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ₹500 फीस है, मैं बता चुका हूँ, ठीक। बात करते हैं देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे डिटेल देने का सबमिट यहाँ पे करूंगा मैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, मंथ का नाम, मंथ देनी है, ईयर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने पोस्ट सेलेक्ट करी थी फादर नेम, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, कैटेगरी आप जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। फोन नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं, लैंडलाइन मेल फीमेल है जानकारी दे सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी नेशनलिटी यहाँ पे बता सकते हैं, आपका एड्रेस स्टेट यहाँ पे बता सकते हैं जो भी आप स्टेट के हैं, ठीक है। इसके बाद पिन कोड यहाँ पे बताना है आपका, दोनों अगर एड्रेस सेम है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सिटी और नेम के देने के बाद, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका पूरी डिटेल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, अलग है तो आप अलग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए फोटो अपलोड करनी है जो कि 50 KB की रहेगी, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने 50 KB के रहेंगे, ये दोनों अपलोड करने के बाद, ठीक है। एजुकेशन डिटेल एक्सपेंस आपका डिटेल फॉर्म प्रीव्यू पेमेंट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करें उसके अनुसार यहाँ पे देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया जो भी मैंने सन में पास किया था उसके बारे में यहाँ पे मैं जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है कितने साल का कोर्स था, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट मैथ यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको दे रखा है परसेंटेज यहाँ पे बताना है, बोर्ड का नाम बताना है, सीबीएसई लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका अपलोड आपको स्कैन डॉक्यूमेंट यहाँ पे करना है जेपीजी फॉर्मेट में पीएनजी में, ठीक है। यहाँ पे फोटो फॉर्मेट में आप अपलोड कर दीजिएगा, इसके बाद आप एक से अधिक है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे 12th है 10th कर सकते हैं 12th कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैं 10th का कर देता हूँ, एक साल का कोर्स था, यहाँ पे सब्जेक्ट की जानकारी दे दूंगा और परसेंटेज और ये सब डिटेल दे दूँ। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिटेल को मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद हमारा एक्सपीरियंस और डिटेल आ रही है वो यहाँ पे जानकारी देनी है, जैसे आपने नेम और ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, डीएल यहाँ पे बताना है, एनालिस्ट जो भी आपकी पोस्ट थी यहाँ पे आप तरीके से जानकारी देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताइए कब से आपने ज्वाइन किया था, कब तक काम किया था उसकी, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो यहाँ पे आपको देना है, एक से अधिक जगह काम किया तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका देखिए फॉर्म प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, जो आपकी डिटेल थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा पेमेंट, तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा, पे फी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो मेरी पेमेंट डिटेल पर यहाँ पे आ चुका है, यहाँ किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भीम यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जानकारी आपकी श्री ऑटो ऑरोबिंदो कॉलेज के बारे में जिसमें आपकी वैकेंसी निकली थी,
जो कि आप नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने रहें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को, यहां से आप देखिए नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को वीडियो देखने धन्यवाद।